जब माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों पर जूं ही नहीं रेंग रही है, 50 से 60 लोग मर जा रहे हैं, काल के गाल में समा जा रहे हैं, और फिर वहाँ वो अपनी वही हठ धर्मिता लेकर बैठे हैं कि भाई जो पिएगा वो मरेगा। अरे भाई, ये कौन नहीं जानता है माननीय मुख्यमंत्री जी कि जो पिएगा वो मरेगा? इसका मतलब क्या होता है? गाड़ियाँ कंपनी बनाती है, गाड़ी चलाएगा, इसका तो सरकार ये कहने लगे कि जो हाईवे पे गाड़ी लेकर चलेगा वो मरेगा? ऐसा थोड़े ना होता है, समय समय पे उसमें सुधार किया जाता है। क्यों ऐसे चाटुकार लोगों से आप घिरे बैठे हैं जो आपको यह सजेशन भी नहीं दे सके कि जो पिया वो मरेगा ही, सिर्फ कह देने मात्र से नहीं, आप यह कहते कि मैं उस जड़ तक अवश्य पहुंचूंगा। शासन आपके, प्रशासन आपके, सत्ता आपकी, सरकार आपकी, और तब आपसे वो कहते हैं कि बताइए कौन बेच रहा है शराब, हम तक खबर कीजिए। क्यों खबर करें? आपका इंटेलिजेंस बिंग कहा है? अगर आपसे सरकार नहीं संभल रही तो माननीय मुख्यमंत्री जी करबद्ध आग्रह करेंगे कि बख्श दीजिए बिहार वासियों को, ऐसे भी 2025 में आप कुर्सी के मुंह नहीं देखेंगे, ये बात तय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूँ आरती बाला आपके साथ। आज हम काफी अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं और ऐसे में हमारे साथ आज मौजूद हैं RCP सिंह के हनुमान कहे जाने वाले अमित सिंह। तो उनसे बात करेंगे कि बिहार में जिस तरह से मौजूदा हालात बने हुए हैं, वो आखिर उसके पीछे का कारण क्या है और किस तरह से ये अपने नए नए जो रंग हैं वो बदलते नजर आ रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ कहना है इनका। तो आइए जानते हैं हम उनसे कि बिहार के मौजूदा हालात आखिर किधर जा रहे हैं और इसकी वजह क्या है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी माहौल चल रहे हैं राजनीति में, तो ऐसे में CM नीतीश कुमार ने जो कहा है शराबबंदी को लेकर, खास करके कि जो पिएगा वो मरेगा, तो एक सीएम के तौर पर उनका ये जो लहजा है, ये जो बोलने का तरीका है, आपको क्या लगता है ये किस हद तक सही है? देखिए आरती जी, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो यहाँ फरियाद क्या करना। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों पर जूं ही नहीं रेंग रही है, 50 से 60 लोग मर जा रहे हैं, काल के गाल में समा जा रहे हैं, और फिर वहाँ वो अपनी वही हठ धर्मिता लेकर बैठे हैं कि भाई जो पिएगा वो मरेगा। अरे भाई, ये कौन नहीं जानता है माननीय मुख्यमंत्री जी कि जो पिएगा वो मरेगा? इसका मतलब क्या होता है? गाड़ियाँ कंपनी बनाती है, गाड़ी चलाएगा, इसका तो सरकार ये कहने लगे कि जो हाईवे पे गाड़ी लेकर चलेगा वो मरेगा? ऐसा थोड़े ना होता है, समय समय पे उसमें सुधार किया जाता है। पहले गाड़ियों में एयरबैग नहीं आया करता था, फिर सरकार ने उसकी जरूरत महसूस की, लोगों की जान माल की रक्षा कैसे हो सके, तो आज मैंडेटरी हो गया ना एयरबैग। तो आपने शराबबंदी किया, तो शराबबंदी क्या सोचकर किया था, कैसा ब्लूप्रिंट था? मैं ये कहता हूं कि आपकी शराबबंदी बिल्कुल सही थी, आज भी कह रहे हैं और आगे भी कहेंगे। नशा नाश का जड़ होता है, यह सब जानते हैं, हर घर को उजाड़ने वाला नशा होता है, लेकिन उस नशे के लिए हम बस इतना कह ले कि जो पिएगा वो मरेगा? वाह वाह, क्या बात है, यह कैसी विडंबना है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को। हुआ क्या है? क्या वही नीतीश कुमार जी हैं जो अपने विवेक से थंब रूल पे चलते थे, और आज क्या हुआ है? क्यों ऐसे चाटुकार लोगों से आप घिरे बैठे हैं जो आपको यह सजेशन भी नहीं दे सके कि जो पिया वो मरेगा ही, सिर्फ कह देने मात्र से नहीं, आप यह कहते कि मैं उस जड़ तक अवश्य पहुंचूंगा। शासन आपके, प्रशासन आपके, सत्ता आपकी, सरकार आपकी, और तब आपसे वो कहते हैं कि बताइए कौन बेच रहा है शराब, हम तक खबर कीजिए। क्यों खबर करें? आपका इंटेलिजेंस बिंग कहां गया? कर क्या रहे हैं? अगर आपसे सरकार नहीं संभल रही तो माननीय मुख्यमंत्री जी करबद्ध आग्रह करेंगे कि बख्श दीजिए बिहार वासियों को, ऐसे भी 2025 में आप कुर्सी के मुंह नहीं देखेंगे, ये बात तय है। बिहार का एक एक घर, एक एक व्यक्ति, एक एक युवा इस बात को समझ चुका है कि जिस प्रकार की दोगली राजनीति आज बिहार में हो रही है, आने वाले वक्त में इसका माकूल जवाब मिलेगा। सर ठीक है, एक तरफ जहाँ पे सरकार ये कह रही है कि शराबबंदी कानून जो है वो काफी हद तक सफल मानी जा रही है, दूसरी तरफ विधानसभा में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? एक तरफ BJP जो है उनकी पार्टियों की तरफ से भी ये कहे जा रहे हैं कि शराबबंदी जो है वो फेल हो चुकी है, और कई ऐसे लोग हैं जो इसका पुरजोर समर्थन कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून जो है वो अब जब असफल साबित हो ही गई है तो इसको खोल दिया जाए, कहीं ना कहीं ये जो पाबंदियां लगी है और
बावजूद इसके लोग पी रहे हैं, कहीं दूसरी जगह जाकर पी रहे हैं। आए दिन बड़े बड़े मात्राओं में शराब की बड़ी खेप मिल रही है, तो इसको लेकर आप कैसे देखते हैं कि क्या लगता है आपको कि अब जब ऐसी हो ही गई है तो इसको खोल देना चाहिए, ये किस हद तक? बहुत छोटा सा आपने आप हमसे प्रश्न कर रही हैं, मैं आपके आप भी छात्र जीवन में रही हूँ, आज आप काम कर रही हैं। सफल और असफल होने का पैमाना क्या होता है एक स्टूडेंट के लिए? एग्जामिनेशन। बिल्कुल, पढ़ाई तो सभी करते हैं, सिलेबस सीबीएसई भी है, आईसीएसई भी है, बिहार बोर्ड भी है, उसमें कौन से एग्जाम में कौन से छात्र बैठ रहे हैं और उनका प्राप्तांक कितना होता है, इस पे सफलता और असफलता की पैरामीटर डिसाइड की जाती है ना, या लाशों की राजनीति पे, या लाशों के ऊपर की जाने वाली राजनीति पे सफलता और असफलता की पैमाना है। अगर यह शराबबंदी कानून सफल है, क्या आप यही चाहते हैं कि आज 50 मरे हैं कल 5000 मर जाए? क्या आप यही चाहते हैं कि जिन माताओं बहनों महिलाओं के कहने पे, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम उन्हें उन्हीं के कहने पे यह शराबबंदी किया, उनके घर में सुकून हो, उनके बच्चे पढ़ें, उनके घर अच्छी सब्जियां जाएं, उनको उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, बेटियों का मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा हो सके, बेटियों की कलाई की मांग की सिंदूर की रक्षा हो सके, और आज यह सिंदूर जो मिट रहा है इसका जिम्मेवार कौन? कैसे सफल है जब होम डिलीवरी शराब हो रहा है? हम नहीं, आपके पार्टी के कई लोग कहते हैं, आपके पार्टी के सांसद विधायक कह रहे हैं कि होम डिलीवरी शराब है, तो फिर यह कैसा सफल? ये जहरीली शराब से मर रहे हैं तो फिर यह कैसा सफल? और आप कहते हैं एक कल एक और वक्तव्य आरती जी सुन रहे थे जी, एक मैं जी, आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि एक बातें सामने निकल कर आई थी कि ये पहला, जबकि नीतीश कुमार ने भी जो बातें कही उसके बाद इस ये प्रतिक्रिया ये भी तेजस्वी यादव की तरफ से भी आई कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहली जब बीजेपी की सरकार थी तो उस दौरान भी इस तरह की मौतें हुई थी, तो उन्होंने इसका खंडन किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो अपनी पूरी राजनीतिक पारी जी ली जी, लगभग वो 25 के बाद शायद संन्यास ले लेंगे जहां तक मुझे लगता है, अब उनको जरूरत भी नहीं है, राजनीति के जिस शिखर पर चढ़ना था चढ़ गए, अब तो वो ढलान के तरफ है, वो गिर रहे हैं। लेकिन आदरणीय तेजस्वी जी, आप याद रखिए, आप लालू प्रसाद जी के पुत्र हैं, आपके पिता और माता जी दोनों इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, और कहीं ना कहीं आपने भी यह सपना संजोया होगा कि इतना बड़ा राजद परिवार आपके पीछे, इतना बड़ा वोट बैंक आपके पीछे, आपके तरफ एक युवा के तरफ बिहार की जनता देख रही थी। सच माने तो आपने वो सारी आकांक्षाओं अरमानों पे पानी फेर दिया है। लोग यह समझ चुके हैं कि आप सत्ता के भोगी हैं, सत्ता के लोभ में जीने वाले लोग हैं। जो आरोप आपके पिताजी के ऊपर लगा करता था भ्रष्टाचार का, तो आप पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा, आपको यह धोने का वक्त था, आपने उसे धोया नहीं, और फिर सरकार में सत्ता सुख पाने के लिए आप उसी हाँ में हाँ मिलाने लगे। कल तक तो गला फाड़ फाड़ कर आप कहते थे कि ये हो रहा है, शराबबंदी फेल है, पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है, अपराधियों का बोलवाला है, ये भ्रष्टाचार, सारा पैसा सरकार के खाते में जा रही है। तो क्या आज वो पैसा बंद हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी के यहां जाना? आपने ही आरोप लगाया था ना, तो फिर आज कैसी? तो यह दोहरी नीति आज के युवा के राजनीतिक से, और आप लिख कर रख लीजिए, एक साल और आप सरकार में बने रह जाइए, विश्वास मानिए आप अपने ताउम्र मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे।